हमारे पीछे एक दुकान देख रहे हैं, उस दुकान का नाम है योंग स्वान और इट्स बेसिकली अ कॉफ़ी शॉप, लेकिन ये ईपो में एक खास डिश है जो यहाँ पर हम ट्राई करने आए हैं। डिश का नाम है नासी गांजा। अब हम चूँकि पाकिस्तानी हैं और गांजे का मतलब हमें पता है कि गांजे का मतलब तो नशा है, तो हमने ट्राई करना था कि ये नासी गांजा क्या है। तो जो मले लैंग्वेज में नासी जो है वो बेसिकली इट्स राइस। सो नासी गांजा इज़ अ चिकन करी राइस जिसमें सॉल्टेड एग और क्यूकम्बर भी होता है, कुछ करीज होती हैं। बट ये स्लैंग इस वजह से बन गया है कि यहाँ पर ये इतना मशहूर है और इतने लोग इसके एडिक्टिव हैं कि उन्होंने उसका नाम ही जो है वो नासी गांजा रख दिया। इट्स अ स्लैंग नेम फॉर द डिश, इट्स नॉट द ऑफिशियल नेम। और जैसे वो हमारे वहाँ नहीं पेशावर में चरसी तिक्का के जी, वो लोग कहते थे इसमें तो चरस मिलाते हैं, वो चरस नहीं, वो बेसिकली वो एडिक्शन थी कि लोग इतना खाते थे कि उन्होंने उसका नाम ही चरसी तिक्का डाल दिया। तो ये एग्जैक्टली सेम सीन है यहाँ पर नासी गांजा का कि ये चिकन करी राइस हैं लेकिन ये इतने हिट और मशहूर हो गए यहाँ पर कि इन्होंने इसका नाम नासी गांजा ही पड़ गया। तो फिर इसके मल्टीपल जो ये दुकान जो है पाइनियर है, इन्होंने दरियाफ्त किए, लाइक दे क्रिएटेड दैट डिश। और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने जो है इमिटेशन भी किया है, मतलब उन्होंने हर किसी ने अपने नाम से रख लिया जी नासी गांजा और नासी गांजा, बट द ओरिजिनल नासी गांजा इन ईपो पेराक मलेशिया इज़ फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट। इट्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट एट जलन चर्च। और जब हम वीडियो डालेंगे तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में लोकेशन वगैरह सब डालेंगे, प्राइसेस वगैरह। तो आप अगर मलेशिया आते हैं और ईपो आते हैं ख़ास तौर पर, तो फिर आपको नासी गांजा जो है ना, ये योंग स्वान किडाई डोबी किडाई कॉफी से कॉफ़ी शॉप है बेसिकली, लेकिन सिर्फ ये एक डिश मिलती है इनके पास, तो ये आपने ज़रूर खाना है। तो अभी हम खा के भी बताएंगे कि क्या सीन है इसका। ओके, नासी गांजा जी, ये आ गया हमारे लिए नासी गांजा तैयार होके। अभी हम गांजा खोलने लगे, ये बिल्कुल, ये देखें, दिस इज़ आउट द पैकेट। ये देखें हमारा नासी गांजा गांजी, और ये हमारी बाकी की थकी हुई फैमिली, ये जैक बॉय गली बॉय टाइप का, और ये वापस आ गया नासी गांजा। ओ हो, अब ये देखें, ये इसमें राइस, सॉल्टेड एग, क्यूकम्बर, चिकन एंड राइस, दिस इज़ बेसिकली नासी गांजा। बाकी बातें आपको खा के बताएंगे। ये हमने नासी गांजा लिया है, हाथ में उल्टा इस्तेमाल करूँगा तो जिन भाइयों का इतराज़ है वो काइंडली मैं पहले से माज़रत, क्योंकि जो इंसान उल्टे हाथ से खा सकता है वो उल्टे से ही खाएगा। अब वो बेचारे आएंगे कि जी वो उल्टे हाथ से नहीं खाते, सीधे हाथ से खाते, तो यार भाइयों मेरे पहले से ही माफ़ कर दो, ठीक है, खाने पर ध्यान दें, मेरे हाथ पर ध्यान ना दें कि मेरा हाथ कौन सा है, ठीक है। तो अभी हम ये नासी गांजा खाने लगे। ये हमने थोड़ी चिकन, अच्छा चिकन जो है ना वो पहले उन्होंने फ्राई की हुई, फिर उसको मसाले में डिप किया। कलर आप देख सकते हैं कि कैसा ब्राइट रेड कलर है करी का। साथ में ही हमने मिनिम के लिए मंगाया, मिनिम मीनिंग पीने का, मक्खन खाने का। तो ये हमने लेमन आइस टी मंगवाई है, गर्मी बहुत है, मसाले वाला खाना है, वॉश डाउन करने के लिए बेस्ट है। इनका ट्रेडिशनल नासी कंदार एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे मुख्तलिफ करीज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की करी से बनाते हैं, चार पांच किस्म की, वो फिर चावलों के ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर जो प्रोटीन आपने डालना डल जाते हैं, तो ये उससे बहुत डिफरेंट है। ये ऐसे जैसे चिकन करी आप समझ लें, जैसे चिकन का सालन एक बना हुआ है और उसमें राइस के साथ आप खा रहे हैं। अब ये देखें, ये हमने निवाला बनाया पूरा, चिकन, खीरा, चावल और करी। तो अगर आपने ईपो आना है ना, ईपो सेंट्रल स्पेस है, अगर आपने पेनांग जाना है, इवन लंकावी जाना है,
अगर आप केएल में हैं तो केएल से इट्स जस्ट अ 2 आवर ड्राइव. खाना बहुत बेहतरीन है इसको. नासी गांजा, बीन स्प्राउट चिकन, सॉल्टेड चिकन, ये सब हमने कवर किया आपके लिए. लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आपने ज़रूर देखा. और सर्विंग पोर्शन जो है इसका मुनासिब सा है. मुझे जैसे बंदे का पेट नहीं भरने वाला है. मतलब ये है कि अगर आप सिंगल मील ये ले रहे हैं साथ में कुछ और खा लें, एक चिकन का पीस. अच्छा जी, अब हम बाकी के नासी गांजा को एंजॉय करेंगे. आपने हमारी वीडियो देखनी है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे. उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. आपने जहाँ भी जाना है आपने बेल आइकन पर क्लिक कर देना, मामला ख़त्म हो जाए. अभी हम खाना खाते हैं, आप चिल करें. अभी अगली जो भी चीज़ हम देखेंगे ईपो में आपको ज़रूर बताएंगे. खुदा हाफ़िज़.